जी सर, आप ये जो लखीमपुर खीरी घटना हुई थी किस लेवल पहुंचे, जिस हालात में आपने इसका समझौता भी कराया था? देखो अभी गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा 12 तारीख तक टाइम है, 12 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे, 12 तारीख तक सरकार के पास वो टाइम है। पूरा देश में आंदोलन होंगे, क्या होंगे कैसे होगा और रणनीति हम 12 तारीख को बनाएंगे। दो चीजें रह रही है, उनको मुआवजा सरकार ने दे दिया, पांच लोगों की उसमें डेथ हुई है और जो किसान थे पत्रकार भी थे उनको इंसाफ जब मिलेगा, जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय देनी उनका इस्तीफा। अब तक जो गिरफ्तारी की हुई है क्या ऐसी वो सरकार के लोग बताएंगे, जो अधिकारी हैं आप इनसे भी जरूर क्वेश्चन करो कि लखनऊ से पूछोगे क्यों नहीं हुई। अच्छा, इसमें और नेताओं को आने पे जिस तरीके सख्ती गई, प्रियंका गांधी या अन्य पार्टी के सभी इसमें राज्य की सभी को जाना चाहिए वहाँ पे और कुछ ना कुछ उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है साहब, इसमें कुछ सोशल मीडिया पर आरोप लगे कि आपने मीडिएटर का काम किया सरकार के इसमें। देखो हमने तो दिल्ली में भी हम तो बातचीत करते हैं, सरकार है तो सरकार से बात ही करनी पड़ेगी। हम आंदोलन को संघर्ष से समाधान की तरफ लेकर जाते हैं, सरकार आंदोलन को समाधान से संघर्ष की तरफ लेकर जाते हैं, तो यही अंतर हमारे में और उनमें है। हम संघर्ष हो रहा है तो समाधान की तरफ लेकर जाएंगे, सरकार समाधान हो रहा है तो संघर्ष की तरफ लेकर जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियों में और हमारे में सब में यही अंतर है, बातचीत से ही समाधान होगा। दिल्ली में भी 12 दौर की बातचीत हुई है, हमने बार बार सरकार को कहा कि फिर बातचीत करो, तो बातचीत सरकार से ही होगी, जिसकी सरकार होगी उन्हीं से ही बातचीत होगी, उन्हीं अधिकारियों से बात होगी। और वहां पे तीन तरह की कमेटियां थी, परिवार, रिश्तेदार और किसान संगठन। उधर अधिकारियों की तीन कमेटियां थी, प्रमुख सचिव सचिव के स्तर के, एडीजी के और कमिश्नर, वो एक कमेटी थी। फिर तीसरी थी डीएम और एसएसपी, तीन कमेटियां वहां पे थी, तीन ही किसानों की तरफ से थी और 6 घंटे में ये समझौता हो पाया। कंटिन्यूस में वार्ता चली, करीब 10,000 लोग इस वार्ताओं में शामिल रहे। इस समझौते से आप संतुष्ट हैं? इस समझौते से वहां जो लोग मौजूद थे वे संतुष्ट हैं। और आप? हम तो उन्हीं के साथ में। इसको आप किसान आंदोलन को, इसको जिस तरह से ये घटनाएं हुई है या इसकी इस तरह घटना की शुरुआत हुई है, आगे किस तरह से रूप देखना चाहते हैं आप? किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, जो भी इस तरह की घटना करेगा कानून अपना